तो आज हम बात करेंगे ब्लाइंड्स और कर्टन्स के बारे में। ब्लाइंड्स कितने टाइप के होते हैं, कहाँ पे हमें कौन सा इंस्टॉल करना चाहिए, कर्टन जो है वो रोड पर इंस्टॉल करें या ट्रैक पर, दोनों में डिफरेंस क्या है, फैब्रिक हमें कर्टन के लिए कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, कलर्स किस तरह से हम डिसाइड करें, कर्टन इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो भी मिस्टेक्स हैं उन्हें हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो आज हम ये डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमेश कुमार एंड वेलकम टू एलसी डिजाइन स्टूडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोड और ट्रैक्स के बारे में, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब रोड के अंदर हमें जो चीजें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो हमारी रोड होगी उसका जो डाया है और जो हम उसके अंदर रिंग्स इंस्टॉल करते हैं कर्टन्स को हैंग करने के लिए, उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होना चाहिए कि जब भी हम कर्टन्स को मूव करने की कोशिश करते हैं तो फंस जाते हैं। और जो रोड्स के अंदर हमें मटेरियल देखने को मिलते हैं वो वुड है, एल्यूमिनियम है, स्टेनलेस स्टील है, और जो मटेरियल हमें मोस्ट कॉमनली मार्केट के अंदर देखने को मिलता है और जो सबसे ज्यादा अच्छा भी है वो है एसएस। स्टेनलेस स्टील के अंदर ही आप जाओ और सबसे इजीली आपको मार्केट के अंदर एसएस ही अवेलेबल होगा। बस एसएस के अंदर आप एक चीज जरूर कंफर्म कर लेना कि जो भी आप रोड सेलेक्ट करने वाले हो उसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी हो, क्योंकि अगर आपके कटिंग लेंथ ज्यादा है और कर्टन्स हैवी है तो उस कंडीशन के अंदर जो रोड है वो बीच में से झूल सकती है, इस तरह से उसमें सैगिंग आ सकती है, तो वो ना हो इसलिए जो कर्टन की रोड की स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब जो ब्रैकेट्स और जो फिनियल इंस्टॉल होने वाले हैं हमारे रोड्स के एंड्स पर, वो हम कैसे सेलेक्ट करें, इस तरह के जो ब्रैकेट्स और फिनियल आते हैं मार्केट के अंदर वो आपको सेलेक्ट बिल्कुल नहीं करने, बिल्कुल आउट ऑफ ट्रेंड जा चुके हैं ये। आप कुछ इस तरह के फिनियल सेलेक्ट करो, काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं, मॉडर्न डिजाइन है और लुक भी काफी अच्छा आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। वेराइटी काफी ज्यादा है आजकल इनके अंदर। और कभी भी ऐसे फिनियल सेलेक्ट बिल्कुल मत करना जिनके अंदर ब्रैकेट अटैच्ड होते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम ही आती है। ये आपने खुद ने भी शायद काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि इन्हें इंस्टॉल करने के बाद कुछ टाइम बाद ही लूज हो जाते हैं, इसलिए ब्रैकेट्स बिल्कुल सेपरेट हों और जो फिनियल्स हैं ये बिल्कुल सेपरेट हों। हालांकि जो आजकल के जो मॉडर्न डिजाइन्स आपको जो भी देखने को मिलेंगे उनमें दोनों सेपरेट ही आते हैं, और फिर भी अगर आपको कोई ऐसा डिजाइन पसंद आता है जिनके अंदर दोनों कंबाइंड है तो वो सेलेक्ट बिल्कुल मत करना, प्रॉब्लम आ सकती है आपको इन फ्यूचर। रोड उसके अंदर काफी इजिली लूज हो जाती है, और रोड्स के अंदर हमें डबल रोड्स का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हमें ब्लैकआउट कर्टन और शेयर कर्टन दो अलग तरह से इंस्टॉल करने हैं तो उसके लिए डबल रोड्स का भी हमें मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसके साथ भी आप जा सकते हो। अब शेयर कर्टन कहाँ इंस्टॉल करना है, ब्लैकआउट कहाँ करना है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। और जो वही सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ट्रैक्स का, ये भी एसएस के अंदर ही बने होते हैं, और इनका सबसे ज्यादा अच्छा फायदा ये है कि इनके अंदर जो कर्टन्स का मूवमेंट होता है वो इतना ज्यादा स्मूथ होता है कि रोड्स को तो आप लिटरली भूल जाओगे कि रोड्स भी मार्केट में एग्जिस्ट करती है। अगर आपकी सीलिंग की हाइट काफी ज्यादा है तब भी अगर आपने इनको इंस्टॉल किया तो इन्हें मूव करना काफी ज्यादा ईजी होता है। इनके अंदर बेसिकली इस तरह से रिंग्स ना होकर इस तरह से व्हील्स इंस्टॉल होते हैं जिनके ऊपर हम कर्टन्स को हैंग करते हैं, और इनका मूवमेंट काफी ज्यादा स्मूथ होता है इसलिए इतने अच्छे से वर्क करते हैं। और ट्रैक्स के अंदर एक एडवांटेज ये भी है कि अगर आपको सेम ट्रैक को दो वॉल्स के ऊपर इंस्टॉल करना है, बेसिकली सेम कर्टन जो है हमारा वो दो वॉल्स के ऊपर मूव कर सके, ये चीज़ हम रोड के अंदर बिल्कुल नहीं कर सकते, पर ये चीज़ हम ट्रैक के अंदर कर सकते हैं। उनके अंदर कर्व्स देखने को मिल जाते हैं, अब वो इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको सेम ही ट्रैक को दो वॉल्स के ऊपर ले जाना है, तीन वॉल्स के ऊपर ले जाना है, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो वहाँ पर इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कर्टन इंस्टॉलेशन गाइड और मिस्टेक्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, जो हमारी कर्टन रोड होगी उसे हमें विंडो के विड्थ के बराबर नहीं लेना है, उसे हमें एटलीस्ट 3-6 इंच एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करनी है दोनों ही एंड पर। तो जैसे मान लो अगर आपकी विंडो की साइज 5 फिट है तो टोटल जो आपकी रोड की लेंथ होगी वो 6 फिट होगी, अगर हम 6 इंच ईच साइड अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपने कर्टन्स को ओपन किया तो ओपन करने के बाद आपकी विंडो प्रॉपर क्लियरली पूरी नजर आएगी, विंडो जो है आपकी विजुअली देखने में काफी बड़ी लगेगी। अब अगर आपने रोड को विंडो की साइज के बराबर ही सेलेक्ट कर लिया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कर्टन्स को ओपन करने के बाद भी कर्टन्स जो हैं विंडो के आगे ही बने रहेंगे, जो विंडो की जो ओपनिंग है, जो व्यू है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे दोनों ही साइड से, विंडो आपकी काफी छोटी लगेगी। जितना अच्छा हमें व्यू मिल सकता था, जितनी लाइट हमें मिल सकती थी, वो काफी ज्यादा रुक जाएगी, तो इसलिए हमें दोनों एंड पर एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करनी है। अब अगर आपकी विंडो काफी ज्यादा बड़ी है, जैसे कि 7 फिट 8 फिट की अगर आपकी विंडो है, 10 फिट की अगर आपकी विंडो है, तो एटलीस्ट दोनों साइड पर आप 9-9 इंच या 10-10 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन प्रोवाइड करो रोड के अंदर दोनों साइड पर। ये सेम चीज आपको ट्रैक्स के अंदर भी फॉलो करनी है। सेकंड पॉइंट है, कर्टन्स को हम किस हाइट से स्टार्ट करें। आपको कर्टन्स जो है जस्ट विंडो के ऊपर से स्टार्ट नहीं करने हैं कुछ इस तरह से, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको जो कर्टन स्टार्ट होंगे वो विंडो के टॉप से नहीं, वो सीलिंग से स्टार्ट होंगे हमारे। फिर चाहे आप रोड इंस्टॉल करो या फिर ट्रैक इंस्टॉल करो, दोनों ही कंडीशन में हमें जो कर्टन्स हैं वो सीलिंग से स्टार्ट करने हैं। अब यहाँ पर कंडीशन ये आ जाती है कि अगर या तो आपने सीलिंग के कॉर्नर्स के ऊपर इस तरह से पीओपी की कॉर्निस इंस्टॉल की हुई है, उन्हें जो कर्टन रोड है वो ओवरपावर ना करे, उस कंडीशन में आपको एटलीस्ट 3 इंच का मार्जिन छोड़ना है, उसके बाद कर्टन रोड इंस्टॉल करनी है। अगर आप ट्रैक इंस्टॉल कर रहे हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल उसको ब्लॉक कर दो, ट्रैक्स बिल्कुल सीलिंग से स्टार्ट होंगे, वो बिल्कुल नजर नहीं आने वाली। अगर रोड इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है, उसके बाद आपको ऊपर से रोड को स्टार्ट करना है।
आप कुछ कंडीशन में ये होता है कि आप नहीं चाहते कि मैं टॉप्स इंस्टॉल करूँ, बिल्कुल आपका मन नहीं है ऐसा करने का, एटलीस्ट आप ये करना कि कम से कम आप 6 इंच का मार्जिन छोड़ना विंडो के टॉप से, उसके बाद इंस्टॉल करो कर्टन्स को, पर ट्राई करना यार टॉप से इंस्टॉल करना, इसको तो अवॉइड ही करना, क्योंकि ऐसा तो नहीं होने वाला कि आपके विंडो की हाइट जो 7 फीट है और जो आपकी सीलिंग हाइट वो 12 फीट होने वाली है, इतना डिफरेंस तो किसी के घर में होता नहीं है। अब एक प्रॉब्लम जो जेन्युइन प्रॉब्लम है काफी लोगों को फेस करनी पड़ सकती है कि जिस वॉल पर हम कर्टन इंस्टॉल करने वाले हैं विंडो के ऊपर, उसी वॉल पर हमारा एसी भी आने वाला है, फिर हम क्या करें? तो उस कंडीशन में आप ये काम कर सकते हो कि जो हमारा एसी है वो पैलमेट बनवाकर उसके ऊपर इंस्टॉल करो और कर्टन उसके पीछे से आएंगे, कुछ इस तरह से ये आप कर सकते हो। अब टॉप से कर्टन इंस्टॉल करने का फायदा क्या होता है? पहला फायदा तो यह है कि हमारा रूम जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड नहीं होता, जो हमारे कर्टन से प्लीट्स बनती है, इसकी वजह से जो वर्टिकल स्ट्राइप्स जो लाइंस जो हमें विजुअली देखने को मिलती है, इससे हमारे जो रूम की सीलिंग हाइट है वो काफी ज्यादा लगती है विजुअली देखने में, अगर आपकी सीलिंग हाइट कम है और आपकी विंडो भी उसमें काफी ज्यादा टॉल लगने वाली है अगर आपकी विंडो हाइट थोड़ी शॉर्ट है, तो विजुअली ओवरऑल जो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है वो चीज। अब ऊपर से तो हमने बात कर लिया कि कर्टन कहाँ से स्टार्ट होंगे, पर अब बॉटम में हमें उन्हें कहाँ पर एंड करना है। अब कर्टन्स को एंड करने के लिए हमारे पास मेथड्स आते हैं 4। अब अगर हम किसकी बात करें तो इसके अंदर जो हमारे कर्टन्स हैं वो जो फ्लोरिंग को जस्ट टच करेंगे, कोई उनके बीच में गैप नहीं होगा, इन्हें अचीव करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, पर सबसे ज़्यादा अच्छा लुक भी इन्हीं का निकल के आता है, मेंटेनेंस इश्यू इनके अंदर रहता है, टच करेंगे अगर फ्लोर के ऊपर तो गंदे भी जल्दी होंगे। सेकंड है पडल, कर्टन्स हैं फ्लोर से टच करने के बाद भी 2 से 4 इंच एक्स्ट्रा लेंथ हमें उनके अंदर प्रोवाइड करनी है, तो लुक जो है हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, और जो ब्रेक पडल है उसके अंदर हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंथ हमें उसके अंदर प्रोवाइड करनी है। अभी जो भी तीनों मेथड्स हैं इनके अंदर अगर आप मेंटेन कर सकते हो और आपको ये पसंद है तो आप बिल्कुल इनके साथ जा सकते हो, पर जाहिर सी बात है इनके अंदर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि इंडियन घरों के अंदर थोड़ा इतना सूटेबल नहीं रहेंगे ये, पर सबसे अच्छा ऑप्शन है 4th जो कि है फ्लोट। हमें फ्लोरिंग से 0.5 से 1 इंच का हमें मार्जिन छोड़ना है, इससे ज़्यादा का मार्जिन बिल्कुल मत छोड़ना, फिर वो थोड़े से छोटे लगेंगे और बहुत वियर्ड लुक निकल के आएगा, तो वो हमें नहीं करना है, हम 0.5 या 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है, उतनी हाइट पर हमें कर्टन्स को एंड करना है फ्लोरिंग से। तो हमने टॉप को समझ लिया कहाँ से कर्टन स्टार्ट होंगे और कहाँ पर कर्टन्स एंड होंगे। अब हम बात करते हैं कर्टन्स की विड्थ कितनी होगी, बेसिकली कर्टन का जो भी हमारा फैब्रिक होगा वो उसकी विड्थ कितनी होगी। ऑब्वियसली सिंगल फैब्रिक तो हमें इतनी विड्थ का नहीं मिलेगा, उसके लिए फिर हमें मल्टीपल कर्टन्स के साथ जाना होगा। अब इसका एक रूल है कि जो भी आपकी विंडो की विड्थ है उसका हमें 2 to 3 times विड्थ के साथ हमें कर्टन में जाना है। जैसे कि मान लो अगर आपकी विंडो की विड्थ 5 feet है तो जो कर्टन होंगे हमारे वो एटलीस्ट 10 feet होंगे विड्थ के अंदर मिनिमम, और मैक्सिमम हमें जाना है 15 feet के अंदर। अब आपको ये काफी ज्यादा लगेंगे। अब अगर आपको एक लग्जूरियस एक अच्छा प्रीमियम लुक कर्टन्स का चाहिए तो आपको इसी तरह से एटलीस्ट डबल विड्थ के साथ हमें जाना पड़ेगा, तभी एक अच्छा जो फोल्ड्स हैं वो काफी अच्छे निकल के आ पाएंगे और कर्टन आपका काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। जब हम कर्टन्स को प्रॉपर लगा देंगे उसके बाद भी अच्छे प्लीट्स हमें देखने को मिलेंगे। अब इसको अगर मैं एक और अच्छे प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं तो इस लिविंग रूम के अंदर जो हमने जैसे कर्टन इंस्टॉल किए हैं तो इसकी अगर हम बात करें कि जो वॉल की विड्थ है उससे हमने, क्योंकि हमने इसको पूरी वॉल के ऊपर लिया है तो वॉल की विड्थ की अप्रोक्स 2.8 times है, तो आपको अब अंदाजा लग जाएगा कि इसके अंदर कितने प्लीट्स बन रहे हैं। जैसे जैसे आप काउंट करते जाओगे, क्योंकि आपके उसके ऊपर बजट पे भी इसका असर पड़ेगा, एटलीस्ट डबल तो आपको लेना ही लेना है, उससे कम तो मत जाना, फिर कोई सेंस नहीं बनता, वो काफी ज्यादा फ्लेट सा नजर आएगा, कुछ कुछ प्लीट्स आ जाएंगे बीच बीच में, तो उतना अच्छा नहीं लगना दिखने में। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारे कर्टन्स का हेडर होने वाला है, जो हमारे प्लीट्स की स्टिचिंग होगी वो हमें किस टाइप की सेलेक्ट करनी है। वैसे तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी आपको पसंद हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, पर जो मेरे पर्सनल फेवरेट जो 3 है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है रिपल फोल्ड, ये कुछ इस टाइप के देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक निकल के आता है इनका। और सेकंड जो है वो आप सबने देखे होंगे, काफ़ी आपके घरों के अंदर ऑलरेडी इसी टाइप से कर्टन के प्लीट्स बने होंगे, वो है पिंच प्लीट्स। ये आज भी ट्रेंड में काफ़ी अच्छे लगते हैं, इनके साथ आप बिल्कुल जा सकते हो। और थर्ड ऑप्शन है बॉक्स प्लीट्स का, वो कुछ इस तरह के नज़र आते हैं। तो ये 3 मेरे फेवरेट हैं, उसके अलावा भी और भी ऑप्शंस हैं, आपको जो पसंद हो जिस टाइप का पसंद हो आप उसके साथ जा सकते हो। अब ये सब तो हमने समझ लिया, पर अगर हमें जानना है कि कर्टन हमें नॉर्मल कर्टन हमें कहाँ इंस्टॉल करना है, ब्लैकआउट कर्टन हमें कहाँ इंस्टॉल करना है, जो शेयर कर्टन होते हैं उन्हें हमें कहाँ इंस्टॉल करना है, तो अब आप इसको कुछ इस तरह से देखना कि अगर आपकी साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग विंडो है, स्पेशली अगर लार्ज साइज विंडो है, तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल ब्लैकआउट कर्टन के साथ ही जाना। इसके 2-3 फायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये लाइट्स को प्रॉपरली ब्लॉक कर देता है। अगर आपने ब्लैकआउट कर्टन इंस्टॉल किए और कर्टन्स को प्रॉपर बंद कर दिया अगर आपने, तो आपके रूम के अंदर बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, कुछ नजर नहीं आने वाला, बिल्कुल लाइट को प्रॉपरली ब्लॉक कर देता है। 3 एडवांटेज इसका यह है कि कुछ हद तक इंसुलेशन भी हमें प्रोवाइड करते हैं कि समर्स के अंदर हीट जो है वो इतनी ज्यादा अंदर नहीं आएगी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा हीट है वो साउथ डायरेक्शन से और सेकंड नंबर पे वेस्ट साइड की विंडोज से आती है। और आपकी नॉर्थ फेसिंग विंडो है
तो उस कंडीशन में आप सेलेक्ट कर सकते हो नॉर्मल कर्टन के साथ जाना। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको प्रॉपर उसके अंदर भी ब्लैकआउट कर्टन की रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर जा सकते हो। उन्हें रूम के अंदर कोई लाइट नहीं चाहिए तो उस कंडीशन में ब्लैकआउट कर्टन काफी यूजफुल होते हैं बेडरूम के अंदर। अब शेयर कर्टन का फायदा ये होता है कि जो भी हार्श लाइट होती है उसे वो रिड्यूस कर देता है, एक सॉफ्ट लाइट हमें देखने को मिलती है उसमें से लाइट है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी हमें शेयर कर्टन के अंदर। कर्टन अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि शेयर कर्टन भी आप साथ में इंस्टॉल करो, क्योंकि जो आजकल विंडोज हमारी जो इंस्टॉल होती है काफी ज्यादा बड़ी साइज की होती है, ग्लास जो है उनके काफी ज्यादा बड़े होते हैं तो उस सिचुएशन में डे टाइम में भी हम बाहर से अंदर देख सकते हैं तो प्राइवेसी का भी इशू होता है। और जो हार्श लाइट है उसे भी हम अगर रिड्यूस करना है तो उस सिचुएशन में शेयर कर्टन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हमने दो लेयर में कर्टन इंस्टॉल किए और हमें अगर सिर्फ लाइट चाहिए, सिर्फ हमने शेयर कर्टन को लगाए रखा तो काफी अच्छी सॉफ्ट लाइट आएगी, प्राइवेसी को भी ये बनाए रखेगी तो उस सिचुएशन में शेयर कर्टन काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। अब अगर हम फैब्रिक की बात करें तो आपने जो कर्टन सेलेक्ट किया है वो एक ब्लैकआउट फैब्रिक नहीं है और आपको ब्लैकआउट कर्टन की रिक्वायरमेंट है तो उसकी कोई ऐसा इशू नहीं आता। कोई भी आपने जो फैब्रिक सेलेक्ट किया उसके पीछे एक लाइनिंग इंस्टॉल हो जाएगी ब्लैकआउट फैब्रिक की। अब फैब्रिक कौन सा ले अगर ये बात करें हम तो फैब्रिक में बहुत सारे ऑप्शन हैं, किसी के साथ भी आप जा सकते हो, बस जो लिनन है वो थोड़ा मेंटेनेंस फ्री चाहिए तो आप लिनन को थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि लिनन जो है उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है, थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा मेंटेनेंस डिमांड करता है। अगर वैसा कोई इशू नहीं है आपको तो लिनन के साथ भी आप बिल्कुल जाओ, किसी के साथ भी जाओ, सब काफी अच्छे हैं, बस मेंटेनेंस का थोड़ा देख लेना। ऐसा कोई भी फैब्रिक आप बिल्कुल सेलेक्ट मत करना जिनकी मेंटेनेंस काफी हाई हो, जैसे कि किसी भी ऐसा कर्टन आपको बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना जिसको आपको गंदा भी जल्दी हो जाता है और फिर उसकी हमें ड्राई क्लीन करवानी पड़ रही है। क्या हम इसे मशीन वॉश कर सकते हैं, आपको इसे बकेट वॉश ही करना पड़ेगा या ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा, तो वो चीज़ आप बिल्कुल पहले क्लियर कर लेना कि आपको पसंद आया, आपने इंस्टॉल करवा लिया, उसके बाद आप फिर वेंडर से पूछते हो और आपको पता चलता है आपका मेंटेनेंस इतना ज़्यादा हाई हो गया, वो एक एक्स्ट्रा हेडेक हो जाती है। और कलर्स की जो हम बात करें, अगर कलर कौन सा हमें सेलेक्ट करना है तो कलर के अंदर आप एक चीज़ बिल्कुल क्लियर लेके चलो, जिस भी स्पेस में आप कर्टन्स को इंस्टॉल करने वाले हो उसके अंदर जो भी हमारे कलर्स यूज हुए हैं, दो या तीन, इससे ज्यादा कलर्स हम वैसे भी यूज करते नहीं है किसी भी स्पेस के अंदर, जो भी आपके स्पेस में आप इंस्टॉल करोगे उसी में से कलर पिक करना है आपको और उसी कलर के अंदर आपको आपका कर्टन सेलेक्ट करना है। जो भी आपका कलर स्कीम है उसके बाहर मत जाना, आपको कितना ही पसंद आए फिर वो कर्टन आप दूसरा कर्टन सेलेक्ट करो, थोड़े न्यूट्रल कलर्स के अंदर ही आप जाना सबसे सेफ रहेगा। 99% चांस से आप कभी भी गलत कर्टन का कलर सेलेक्ट नहीं करोगे। प्रिंटेड लें या प्लेन लें, ये भी एक चीज़ है। जो टेक्सचर होता है ना, जैसे कि ये वाला कर्टन इसका टेक्सचर कुछ इस टाइप का है, इस टाइप के साथ जाओ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सॉलिड कलर में भी जा सकते हो, जैसे वेलवेट के अंदर सॉलिड कलर में कर्टन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं। पर अगर आपको प्रिंटेड फ्लावर पैटर्न्स के साथ जाना है, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप पैटर्न्स के अंदर जा रहे हो फ्लोरल पैटर्न के साथ अगर आप जा रहे हो तो इस टाइप के जो कर्टन्स है ये बस सेलेक्ट मत करना, मतलब कर्टन मत लगाओ उसके बिना रह लेना, पर यार ये सेलेक्ट बिल्कुल मत करना। इसके अलावा बहुत सारे लिटरली बहुत सारे अलग अलग बहुत अच्छे प्यारे डिजाइन आपको देखने को मिल जाएंगे, इनके अलावा आप उनके साथ जाओ। तो यही है कलर्स और फैब्रिक के अंदर। इसके अलावा अब बात आती है कि हमारी विंडो तो छोटी है साइज में, विंडो की जो लोकेशन है वो थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन के अंदर है, या इनफैक्ट हमारे रूम का साइज काफी ज्यादा छोटा है, तो वहां पर फिर हमारे पास ऑप्शन आता है सेकंड ब्लाइंड्स का। अब ब्लाइंड्स में हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है वो रोमन ब्लाइंड्स का, वो कुछ इस तरह के नजर आते हैं, जो हमारे फैब्रिक होता है उसी से बने हुए होते हैं। बस इनके अंदर ये ऑप्शन है कि हमारे पास कि फैब्रिक जो है वो आप मन चाहे आपका खुद का भी कोई फैब्रिक आपको पसंद आता है कर्टन के अंदर उससे भी आप इन ब्लाइंड्स को बनवा सकते हो। तो इनके अंदर कस्टमाइजेशन का ये एक काफी अच्छा ऑप्शन हमें अवेलेबल होता है कि कोई सेलेक्टेड कुछ गिनती का ऑप्शन नहीं कि उन्हीं से हमें सेलेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन है ज़ेब्रा ब्लाइंड्स। अब ज़ेब्रा ब्लाइंड्स जो है वो कुछ इस तरह के दिखते हैं, इनके अंदर बेसिकली ऐसी स्ट्राइप्स होती है जो कि एक स्ट्राइप जो होती है प्रॉपर ब्लैकआउट होती है, सेकंड जो है वो शेयर कर्टन की जैसी होती है, तो एक में से हम लाइट आ सकती है और एक में से बिल्कुल ब्लैकआउट होता है। तो इन्हें हम रोल करके सेट कर सकते हैं कि प्रॉपर ब्लैकआउट होगा या हाफ शेयर होगा, फुल शेयर का इसमें ऑप्शन नहीं मिलता, तो फिर आधे ब्लाइंड्स में से लाइट पास हो सकती है और आधे में वो ब्लॉक कर देगी या फिर पूरे को ब्लॉक कर देगी, और आपको ओपन करना है तो फिर आप पूरे को तो ओपन कर ही सकते हो। इसके अलावा एक बेसिक ऑप्शन और है रोलर ब्लाइंड्स का, या ब्लैकआउट ब्लाइंड्स भी आप इसको बोल सकते हो। इनके अंदर एक प्रॉपर कर्टन ही होता है, वो पूरा सीधा रोल होके डाउन में आ जाता है, रोल करके आप उसको ऊपर कर सकते हो, इसके अंदर और एक्स्ट्रा कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती। पर इन सभी ब्लाइंड्स के अंदर ना एक प्रॉब्लम है कि इन सभी के अंदर साइड से तो एटलीस्ट लाइट आएगी ही आएगी, कोई भी ब्लाइंड 100% लाइट को ब्लॉक नहीं करता, इवन जो ये रोलर ब्लाइंड्स हैं ये भी ब्लॉक नहीं करते, इनमें भी साइड्स हैं जो है वो थोड़ी लाइट तो अंदर आती ही आती है। और जो लास्ट ब्लाइंड का ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा मेरा पर्सनल फेवरेट ऑप्शन है वो है विनीशियन ब्लाइंड्स का, वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। और अभी इनके अंदर ना सबसे अच्छा फायदा ये कि इनके अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, कलर ऑप्शन, फिनिशेस के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएंगे।
पर इनके अंदर सबसे बड़ा जो एडवांटेज जो है ना, पहली बात लुक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छा कैरेक्टर एड करते हैं किसी भी स्पेस के अंदर। और सेकंड चीज़ है कि इन्हें जिस तरह से हम ऑपरेट कर सकते हैं, जो इनकी फंक्शनलिटी है वो लगने में थोड़ा ईजी लगता है कि सिर्फ ये ऊपर नीचे होते होंगे, इसके अलावा इसके अंदर हम कर ही क्या सकते हैं। पर इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं, आपको सनलाइट ब्लॉक करनी है पर व्यू आपको पूरा चाहिए, इसको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो कि सनलाइट अंदर आएगी पर व्यू ऑलमोस्ट ऑब्स्ट्रक्ट रहेगा, बाहर से कोई अंदर ना देख सके कुछ हद तक, 100% कुछ नहीं होता इसके अंदर। या आपको सिर्फ थोड़ी लाइट चाहिए, लाइट भी आप प्रॉपर लिटरली फोन की ब्राइटनेस अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, जितना जितना आप इसको खोलोगे पूरी ही विंडो से उतनी उतनी लाइट अंदर आएगी, कम होगी ज़्यादा होगी। फ्लोर पे लाइट चाहिए, सीलिंग के ऊपर आपको लाइट चाहिए, फिर अगर आपको पूरे ही ब्लाइंड्स ओपन करने हैं तो वो ऑप्शन भी है। तो पर्सनली मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब जैसे कि अगर आपकी छोटी विंडो है तो उस सिचुएशन में आप इन्हें कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि ये वाली विंडो आप देखो, इसके ऊपर जो हमने ये ब्लाइंड्स इंस्टॉल किए हैं, अब इस विंडो के ऊपर अगर हम कर्टन्स को इंस्टॉल करते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने वियर्ड लगते हैं उसके ऊपर कर्टन्स। अब मेंटेनेंस का ब्लाइंड्स के अंदर थोड़ा इशू रहता है, मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इनको, और थोड़े से है ना ये डेलिकेट होते हैं, इनको ईजिली डैमेज हो सकते हैं, थोड़ा आराम से इनको क्लीन करना। पर अगर आपने इनकी ठीक से केयर की तो काफ़ी लंबा सर्व करेंगे, ऐसा नहीं कि उस साल में टूट फूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी क्वालिटी के लो वरना तो ये काफ़ी लंबा सर्व करेंगे, काफ़ी अच्छे आते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हर वीक ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स में हमें बताइए नेक्स्ट वीडियोस आपको किन टॉपिक्स पे चाहिए। थैंक यू।